बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के रायपोखर नंदलाल पट्टी गांव में गुरुवार की शाम जमीन विवाद में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद घायल की मां एवं भाई को भी हमलावरों ने कुदाल मारकर जख्मी कर दिया। घायल अमरेश सिंह के परिजनों ने बताया कि उनके पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका है। गुरुवार को उनके चाचा सत्येंद्र सिंह अपनी जमीन की नापी करवा रहे थे। इसी बीच शाम में उनके चचेरे भाई जयराम सिंह ने अमरेश सिंह को अपने घर पर बुलाया। जैसे ही वह उसके घर पर पहुंचा, तभी उन लोगों ने अमरेश पर गोली चला दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनते ही अमरेश की मां माया देवी एवं भाई मुकेश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि अमरेश खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा है। इस दौरान जयराम सिंह समेत उनके परिवार के लोगों ने उन दोनों पर भी कुदाल से प्रहार कर उन्हें जख्मी कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना अमरपुर पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं सभी घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमरेश सिंह की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि गोली उनकी ठुड्डी में फंसी हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भदरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रशांत कापरी समेत बड़ी संख्या में लोग रेफरल अस्पताल पहुंचे। वहीं SDPO विपिन बिहारी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। इस संबंध में SDPO ने कहा कि जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। कुमार सिंह कौन है जो घायल है? मेरा छोटा भाई अमरेश कुमार सिंह। कौन मारा, क्या विवाद था? विवाद हमसे कुछ नहीं था, वो अपना जमीन नापी करने के लिए अमीन को लाया था, उसके बाद अमीन के सामने ही गोली मार दिया कि चलिए देख लीजिए, और कोई बात नहीं था, बोलाया और वहाँ पे गोली ही मार दिया सर। किसका जमीन था? जमीन वो अपना ही बिहार रहा था। कौन है वो, जो आप लोग का कौन लगता है? मेरा चाचा हुआ, चचेरा भाई हुआ, गोली में मरा है चचेरा भाई हुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। जो जख्मी उसका क्या नाम है? जख्मी का अमरेश कुमार सिंह। भागलपुर जिला विधिक संघ में अध्यक्ष, महासचिव, सहायक सचिव, संयुक्त सचिव समेत 10 पदों पर हुए चुनाव में गुरुवार को सहायक सचिव पद का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें सहायक सचिव पद पर चंदन कुमार कर्ण, पिंकी किशोर और अनीता कुमारी ने जीत हासिल की है। चुनाव पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि कुल 10 पदों पर हुए चुनाव में 114 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें अध्यक्ष और महासचिव पद का परिणाम सोमवार को ही घोषित हो गया था, जबकि गुरुवार को सहायक सचिव का परिणाम जारी कर दिया गया है। वहीं जीत के बाद विजयी प्रत्याशी के समर्थन में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। वहीं जीत के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विजयी उम्मीदवारों ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के विकास के लिए वह कार्य करेंगे एवं स्वच्छ और सुंदर DBA बनाने का प्रयास करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी सहायक सचिव के पद पर खड़ा हुआ था, लेकिन सभी अधिवक्ताओं का जो है विश्वास था कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को, इस पे लोगों ने हमें वोट किया है। मैं हर हमेशा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के विकास के लिए कार्य करूंगा और जो भी क्षति पूर्ति इसकी हुई है उसको पूरा करूंगा। स्वच्छ DBA, सुंदर DBA बनाने। कितने वोट से जीते हैं आप? मैं सर जो है लगभग 500 के आसपास वोट से जीता हूँ। रनर में कौन रहे? रनर में जो है पिंकी जी, तीन पद के लिए था जिसमें पिंकी जी रही, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद जो है अनीता जी है, अनीता कुमारी। तो हम लोग सर तीन असिस्टेंट सेक्रेटरी, एक ही पद पे तीनों हैं, और यहाँ के विकास के लिए जो भी कार्य होगा करूँगा। सभी अधिवक्ताओं का जो भी समस्या होगा सबसे पहले उसको समाधान करूँगा। DBA में जो स्थिति है DBA की, यहाँ शौचालय की कमी है, शौचालय बनवाऊँगा, बैठने के लिए वकील के लिए जो है चैम्बर बनवाऊँगा, यहाँ पे जो है आपका जो है जो इसका
बायोमेट्रिक मशीन लगाऊंगा और एवं प्रकार से जितनी भी व्यवस्था होगी अधिवक्ताओं के लिए वो करूंगा। पहले तो डीपीए में ना शौचालय का व्यवस्था नहीं है और अगर कोई पहला अगर अचानक से बीमार पड़ती है तो उनको ना अच्छे से मतलब रूम की व्यवस्था नहीं है, जो कॉमन रूम रहना चाहिए उसमें रुकने के लिए वो व्यवस्था नहीं है। पहले उस पर हम ध्यान देंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पे बहुत इससे पहले जो था बहुत कुछ प्रॉब्लम था वो सबको देखेंगे, देख रेख करेंगे। ये क्या पहला चुनाव था आपका? जी, मेरा पहला चुनाव था। जीत आपकी हुई है, डीबीए की रूपरेखा किस प्रकार बदलेगी? अब जो जो चेंजिंग आएगा वो सबको दिखेगा। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे नगर परिषद सुल्तानगंज के सफाई कर्मियों ने दो दिन बाद गुरुवार को अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। हड़ताल के दौरान सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन और पीएफ का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही कहा था कि सफाई कार्य के दौरान उन्हें किसी प्रकार सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं गुरुवार को नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे एवं कल्पतरु कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार मृत्युंजय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सभी सफाई कर्मियों को 30 मई तक उनका पीएफ पैसे का भुगतान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। हड़ताल के दौरान सड़कों और गलियों में कूड़े कचरे का अंबार जमा हो गया। बढ़ाया जाए और हम लोग को जो है अस्थाई किया जाए। हम लोग कितना 20 साल से हम लोग खट रहे हैं, हम लोग को कोई अस्थाई नहीं किया। कितना वेतन मांग कर रहे हैं? हम लोग को कम से कम 18,000 मिलना चाहिए महीना। 18,000। और क्या समस्या है? पीएफ का समस्या है। पीएफ नहीं मिला? पीएफ 18 महीना हो गए। 18 महीना डोले 100 बार धोखा मार लगे, कई कई का धोखा मारे थे। इसीलिए आप लोग हड़ताल किए? हाँ, वही हड़ताल किए हैं। कितना दिन है हड़ताल का? यार 3 दिन हुआ। हाँ, 3 दिन हुआ। तीसरा दिन हड़ताल का? हाँ। क्या नाम हुआ? हमको पैसा दे दीजिए कि अबला तभी हड़ताल तोड़ेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में एक अच्छे और सस्ते सैलून की तलाश अब समाप्त हो गई है। गुरुवार को मसाकचक NC चटर्जी रोड स्थित द स्टाइल लॉन्ज नामक यूनिसेक्स सैलून का शुभारंभ हुआ है, जिसका विधिवत उद्घाटन पूजा अर्चना कर किया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत की। सैलून की संचालिका पूनम सिंह ने बताया कि यह शहर का एकमात्र किफायती सैलून होने जा रहा है, जहां पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लोग मेकअप से जुड़ी तमाम सुविधाओं का लुप्त कम खर्च में उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ब्राइडल मेकअप, मसाज, फेशियल एवं सौंदर्यकरण से जुड़ी सभी सुविधाएं उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। संचालिका ने बताया कि मेंबरशिप लेने के पश्चात ग्राहकों को 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। पूनम सिंह ने कहा कि उनके सैलून में ट्रेंड स्टाफ है, जिसके पास ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट की डिग्री भी है। मौके पर शहर के कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। किस तरह की सुविधा मिल पाएगी आपको? हर चीज का सुविधा, ये सैलून का नाम है द स्टाइल लॉन्च। यहाँ आए आपको हर सुविधा मिली जाएंगे, जो जो आप सुविधा चाहते हैं, ब्राइडल, फेसियल, जो भी आप सुविधा चाहेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और 40% की ड्रेस मैम, जैसे कि और भी बड़ी कंपनीज है जिसमें कि लोग जाते हैं सेवा के लिए, लेकिन यहाँ उसके मुताबिक कितना चीप एंड बेस्ट होगा जो कि लोग यहाँ पर हैं? 40% आपको यहाँ सारे सुविधा मिले जाएंगे। आप एक बार आके यहाँ के सुविधा लें। महिला वर्ग दोनों के लिए है। परिचय बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम पूनम सिंह।
बांका धौरैया स्थित धनकुंड थाने से सटे स्माइल स्कूल परिसर में बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के द्वारा प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन उमेश प्रसाद, संत मेही फाउंडेशन के CMD रमेश चंद्र रमन, जेल अधीक्षक निरंजन पंडित, बाबा सत्येंद्र एवं धनकुंड थानाध्यक्ष मंटू कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया, जिसका मौजूद लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। वहीं कार्यक्रम के उपरांत मोहम्मद अरभाव आलम व आदित्य भारती को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, जबकि वत्सल राज तथा उज्ज्वल कुमार को सिल्वर मेडल मिला। वहीं अभिनव कुमार, अनुराग कुमार, अर्नब राज, गुलशन कुमार, हरिओम कुमार, मनीष कुमार, मोहम्मद वक्स, नितिका भारती, प्रशांत कुमार सिंह, ऋषभ कुमार, साहिल राय, साक्षी सिंह, सोनाक्षी सिंह, विराट कुमार सिंह को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं बेस्ट टीचर का अवार्ड अमित कुमार को मिला, जबकि मैनेजमेंट स्टाफ का अवार्ड पंकज कुमार सिंह को दिया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।